दोस्तों कानपुर यूनिवर्सिटी से एक और नोटिफिकेशन लेकर आ गया हूं, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे एडमिट कार्ड कब आएंगे और हमारे स्पेशल बैक पेपर कब कराए जाएंगे। इन सभी के बारे में फुल डिटेल्स आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि हम आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कानपुर यूनिवर्सिटी के जो स्पेशल बैक पेपर के लिए एग्जामिनेशन कराए जाने वाले हैं वो आपके 28 अगस्त से कराए जाने सुनिश्चित किया गया है। उसका एडमिट कार्ड आपको आपके वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप 25 तारीख के बाद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आएगी तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों और भी मैं आपको डिटेल में बात करूंगा कि आपके एग्जाम सेंटर कहाँ बनाए जा रहे हैं, उसके बारे में अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप चैनल पर जुड़े रहें और साथ ही में वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेंशन है छात्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर। ये नोटिफिकेशन आज की डेट में जारी किया गया है। लिखा है कार्यालय ज्ञाप, विश्वविद्यालय सत्र 2023-24 की एनएपी पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्नातक पंचम और षष्ठम सेमेस्टर तथा परास्नातक के तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की स्पेशल बैक परीक्षा दिनांक 27 अगस्त से संपन्न कराई जानी सुनिश्चित की गई है। उक्त परीक्षाओं हेतु नोडल केंद्र परीक्षा केंद्र सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर www.csjmu.ac.in पर उपलब्ध है। अतः समस्त प्रधानाचार्य प्रचार केंद्राध्यक्षों से अनुरोध है कि परीक्षा हेतु आवश्यक व्यवस्थाओं नोडल परीक्षा केंद्रों पर सुनिश्चित करते हुए उक्त परीक्षाओं को सुचारू रूप एवं सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने का कष्ट करें। कहने का मतलब कि जो आपके स्पेशल बैक पेपर एग्जामिनेशन हैं वो आपके 27 अगस्त से कराया जाना सुनिश्चित किया गया है, और इसकी सेंट्रल लिस्ट जारी कर दी गई है। आप फटाफट जाके वेबसाइट पर विजिट करके देख सकते हैं, और यहाँ भी मैं नीचे स्क्रॉल करके आपको सेंटर लिस्ट दिखाऊंगा। जैसा कि स्क्रीन पर दोस्तों देख रहे होंगे, यहाँ आपके सेंटर लिस्ट जारी किया गया है 6 सेमेस्टर के पीजी और यूजी के जो एग्जामिनेशन कराए जाने वाले हैं। यहाँ आपके नोडल सेंटर कोड हैं और यहाँ एग्ज़ाम सेंटर कोड है। बहुत ही छोटा दिख रहा होगा, आपको नोटिफिकेशन लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। हालांकि आप जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं वो अपना कॉलेज नेम देख के अपना एग्ज़ाम सेंटर नेम देख सकते हैं कि कहाँ बनाया गया है, इंस्टीट्यूट का कोड नंबर क्या है या सेंटर कोड क्या है या आपके नोडल सेंटर कोड क्या है, इसके बारे में भी आप यहाँ देख सकते हैं। और इसी क्रम में आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे कॉलेज के नेम्स दिए हुए हैं जहाँ जहाँ आपके एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं। और अगर कोई स्टूडेंट को कोई डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बनाया गया है। क्योंकि अगर मैं एक एक कॉलेज का नाम बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको बता देना चाहता हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके आसानी से पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके एग्जाम सेंटर कहाँ बनाए जा रहे हैं। जैसा कि मैं एडमिट कार्ड के बारे में बात कर रहा था, एडमिट कार्ड आपके 25 अगस्त तक सुनिश्चित कर दिया जाएगा। आप अपने साइट पर जाके डाउनलोड भी कर पाएंगे। अगर डाउनलोड करने में कोई इशू आ रही है या कोई दिक्कत आ रही तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, मैं आपको डाउनलोड भी करके दिखा दूंगा। तो ये रहा लेटेस्ट अपडेट, और इसी प्रकार से कोई लेटेस्ट अपडेट अगर पाना चाहते हैं तो चैनल से जरूर जुड़े रहें दोस्तों। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। ओके, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।